Subscribe GSB Electric and press the bell icon for more latest update. हेलो दोस्तों, आज मैं 62-280 वोल्ट के स्टेबलाइजर का असेंबलिंग करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं ये सारा ओपन में करूँगा कि आप आसानी से इसको समझ सकें और बहुत आसानी से। इसमें देखिए, ये ट्रांसफार्मर का फर्स्ट लूप है, ये सेकंड लूप है, ये थर्ड लूप है, ये फोर्थ लूप है और ये फिफ्थ लूप है। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला है जिसमें सिक्स्थ लूप भी है, छः लूप भी है, तो उससे भी आप कनेक्शन कर सकते हैं। वो कनेक्शन मैंने डाला हुआ है और आप पांच लूप से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके लिए जो मैंने किट यूज़ किया है, ये माइक्रो कंट्रोलर किट है और इसके अंदर पांच ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। चार जो है इसके वोल्टेज को ऑपरेशन के लिए है और एक इसके टाइम डिले और हाई कट के लिए यूज़ किया गया है। यानी ये पांच ट्रांजिस्टर पर है और ये जो है रेगुलेटर आईसी लगा हुआ है, जो पांच वोल्ट का आईसी है, जो कि इस आईसी को सप्लाई देता है, रेगुलेटेड सप्लाई प्रोटेक्शन के लिए। अब चलिए, इसके लिए हमने दो वोल्ट मीटर इसलिए लिया है कि एक से आपको इनपुट पता चले और एक से आउटपुट पता चले। इसका ये फर्स्ट रिले है, मैंने ये फर्स्ट रिले इसे सेलेक्ट किया है और सेकंड रिले ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है और फिफ्थ ये है। तो सबसे पहले मैं रिले का कंट्रोल किट के साथ जो कनेक्शन होगा वो कनेक्शन मैं कर देता हूँ, उसके बाद इस लूप को मैं इस पर डालूँगा। तो इस कार्ड के ऊपर देखिए, ये पावर पैक का कार्ड है, बहुत बेहतरीन काम करता है। ये ऑपरेटिंग है 0 से 20 वोल्ट, यानी ये जितने रिले हैं यहाँ ये सभी 24 वोल्ट रिले आपको यूज करना है। ये 24 वोल्ट का रिले है और इसका कॉन्टैक्ट एम्पियर जो है वो 25 एम्पियर है। ये चूँकि हमने 3 KVA के लिए असेंबल करना है। और यहाँ देखिए, कार्ड के ऊपर यह टाइमर के लिए यहाँ से एक रिले पर जाएगा, यहाँ से आउटपुट रिले पे जाएगा, यहाँ से थर्ड इनपुट जो है रिले उस पे जाएगा, सेकेंड इनपुट रिले पर जाएगा और फर्स्ट इनपुट रिले पर जाएगा। और जितने भी रिले हैं इस सबका कॉमन जो होगा एक होगा और वो कॉमन आ जाएगा RLC पर, यानी रिले का ये टोटल कॉमन पॉइंट हो गया, इसलिए कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब इसके दूसरे पार्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर एक आपको जैक इस किट के साथ मिलेगा जिसे आप लगा देंगे इसे, और यहाँ से आपको टाइम डिले और हाई कट का सिग्नल मिलेगा। इसके लिए हमने डुअल कलर का ये LED यूज किया है और इंस्टेंट जो पावर, जैसे आप इनपुट आता है तो उसका इंडिकेटर आए, तो ये QS है, यहाँ से आप एक LED के लिए तार और निकाल लेंगे। तो आपका ये कनेक्शन हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आप एक है AVR और एक है TMR, यानी टाइमर के समय को आप घटा बढ़ा सकते हैं इस प्रीसेट को एडजस्ट करके। और वोल्टेज जो रेगुलेट करना है वो AVR से आपका रेगुलेट होगा इस प्रीसेट से। तो अधिकतर कंपनी जब ये तैयार करती है तो ये अपने वोल्टेज के आधार पर तैयार करती है। अगर सेम डाटा पर आपका ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है तो शायद एडजस्ट करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, नहीं तो अगर 2-4 वोल्ट इधर उधर है तो भी काम करता है कार्ड, तब थोड़ा सा ये एडजस्ट करना पड़ता है। चलिए वो आगे अभी देख लेंगे करना क्या है। इस सभी रिले का कॉमन जो है एक साथ ज्वाइंट कर लेते हैं। तो एक अगर इधर से हम कॉमन मानते हैं किसी को, तो किसी को भी मान लें। फिर इस रिले का जो ये पॉइंट है रिले कॉइल के लिए, रिले ऑपरेटिंग के लिए, फिर इस पर हम एक यहाँ ज्वाइंट कर लेते हैं। फिर यहाँ ये रिले का और सेकंड रिले का ये दोनों ज्वाइंट हो गया। फिर इसी तरह यहाँ थर्ड रिले का कर लेते हैं,
एक दो तीन चार पाँच सभी रिले का कॉमन हमने एक करके यहाँ ये ब्लैक कलर का तार निकाल दिया है। अब हमें चाहिए हर एक रिले के लिए अलग अलग, फर्स्ट इनपुट के लिए ये डाल रहा हूँ मैं, मैंने इसी तरह एक कलर ले लिया, आप कोई भी कलर दे सकते हैं। ये फर्स्ट इनपुट के लिए हमने ये यूज कर लिया, सेकंड इनपुट के लिए हमने ये ब्लू कलर यूज कर लिया है ताकि क्लियर हो। ये दो रिले का हो गया। थर्ड रिले जो है इसके लिए हमने एक ये येलो यूज कर लिया थर्ड रिले, और ये देखिए फोर्थ रिले के लिए हमने ये यूज कर लिया। यानी ये जो चार वायर है हमने यहाँ यूज कर लिए, और ये टाइमर के लिए ये टोटल वायर हो गया चार वायर इस रिले का, ये टोटल रिले का पांच वायर, ये थोड़ा सा अलग कलर है, और कॉमन सबका ये ब्लैक। यानी ये छह वायर आ गया जो हमारे ये कंट्रोल किट पर आएगा। अब हम कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले इसका जितना भी शॉर्ट पॉइंट है हम उसको शॉर्ट कर देते हैं। फर्स्ट रिले का ये NC है, ये NO है, और ये जो है P है, यानी पोल है कॉमन, इसको आप कह सकते हैं। तो फर्स्ट रिले का NO ये मैंने यहाँ ज्वाइंट कर दिया, और सेकंड रिले का P, ये दोनों आपस में शॉर्ट है हुआ। तो ये फर्स्ट रिले का NO और सेकंड रिले का P जो है वो आपस में शॉर्ट हो जाएगा, तो इसे हम यहाँ शॉर्ट कर देते हैं। ये चूँकि वीडियो असेंबलिंग के लिए ही बना रहे हैं, चूँकि आसानी हो इसलिए अंदर मैंने नहीं डाला है कि एक भी कंफ्यूजन ना हो कि कौन वायर कहाँ जा रहा है, समझ में आते जाए। और ये सेकेंड रिले हो गया, और सेकेंड रिले का NO है, और फिर ये थर्ड रिले का कॉमन P जो कहें वो है, और फिर ये इसे यहाँ शॉर्ट कर दिया मैंने, और फिर थर्ड रिले का NO और फोर्थ रिले का NC एक साथ शॉर्ट होगा। तो अब आप देखें शॉर्टिंग का काम हो चुका है इसके हिसाब से। तो ये जो पॉइंट है कहाँ आएगा इसको आप देखें, इस पॉइंट पर हमारा आ रहा है ये पांचवा लूप। तो ये जो है पांचवा लूप है, फर्स्ट लूप मैं नहीं अभी ले रहा हूँ, पांचवा लूप लिया हूँ। तो ये पांचवा लूप हो गया, और इसके साथ जो शॉर्ट है ये दोनों एक ही टर्मिनल पर आएगा, यानी पांच के साथ ये शॉर्ट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं एक नंबर पर। ये चूंकि एक साथ ज्वाइंट करना था तो मैंने एक इसे पहले उठा लिया है। ये एक नंबर लूप है, और एक नंबर जो यहाँ ट्रांसफार्मर से जो आ रहा है वो फर्स्ट रिले के NC पर जाएगा। फर्स्ट रिले के NC पर एक नंबर आ गया। फिर देखिए दो नंबर जो है यहाँ ट्रांसफार्मर का वो सेकेंड रिले के NC पर जाएगा। ये हमारा थर्ड टर्मिनल है,
और यहाँ देखिए थर्ड जो है वो थर्ड रिले पर, यानी तीसरे रिले पर थर्ड टर्मिनल एनसी पर जाएगा, यानी इस रिले का एनसी, ये पॉइंट एनसी का है और ये टर्मिनल तीसरा यहाँ जाएगा, ये लूप, थर्ड लूप रिले के एनसी पर चला गया, थर्ड रिले के एनसी पर। अब बच रहा है ये फोर्थ, यानी फोर्थ जो है वो एनओ पर जाएगा, फोर्थ रिले के, यानी ये जो एनओ है इस पर आएगा, अब फोर्थ रिले का जो ये पी है ये सप्लाई आउटपुट करेगा, और फर्स्ट रिले का ये जो पी है यहाँ आप इनपुट लेंगे। तो चूंकि मुझे टाइमर के साथ लेना है तो फिर मुझे एक शॉर्ट इसके पी को इसके पी के साथ फिर शॉर्ट करना है। देखिए फोर्थ रिले का पी है यहाँ से सप्लाई आउट होगा, और फिफ्थ रिले का ये पी है जहाँ ये सप्लाई इन करेगा, और इसके पी से हम सप्लाई आउटपुट लेंगे, यानी जब रिले ऑन होगा तो ये आउटपुट देगा, टाइम डिले के बाद ये रिले ऑन हो जाएगा टाइमिंग के बाद, और यहाँ से आउटपुट ये देने लगेगा। तो चलिए अब इसका कनेक्शन हम करते हैं किट के साथ। मैं थोड़ी देर के लिए रोक दे रहा हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। अब देखिए ये फर्स्ट रिले का वायर आ रहा है, तो इनपुट फर्स्ट यहाँ देखिए इंडिकेट किया हुआ है, तो यहाँ हमने ये फर्स्ट को डाल दिया। अब देखिए यहाँ है सेकंड, इनपुट सेकंड, तो इनपुट सेकंड में हमने ये वायर यूज़ किया है यहाँ, तो ये इनपुट सेकंड में जाएगा। फर्स्ट इनपुट, सेकंड इनपुट हो चुका, थर्ड इनपुट, यानी थर्ड इनपुट यानी तीसरा रिले, यानी तीसरे रिले में हमने ये यूज़ किया था वायर येलो कलर, तो IP3 में हम डाल देंगे तीसरा, थर्ड इनपुट हो गया। और ये जो है आउटपुट रिले है, तो आउटपुट रिले जो है ये, इसके लिए हमने ये ग्रीन कलर यूज़ किया है, जो फोर्थ रिले है वो आउटपुट रिले है, तो इसमें हम आउटपुट रिले का कनेक्शन डालेंगे। और ये जो लिख रहा है वो टाइमर का है, तो टाइमर के लिए हमने ये वाला वायर यूज किया है, पांचवें रिले से निकाला है मैंने इसे, तो ये टाइमर में चला गया। अब मुझे रिले का कॉमन जोड़ना है, यानी सारे रिले का जो कॉमन है वो ये ब्लैक कलर हमने यूज किया था, जो पांचों रिले पर यूज किया है, और ये RLC में चला जाएगा। अब मुझे चाहिए 0 वोल्ट से 20 वोल्ट इस कार्ड को ऑपरेट करने के लिए सप्लाई, 0 से 20 वोल्ट के लिए मैंने यहाँ से निकाला है, एक यहाँ हमें वायर ज्वाइंट कर लेना है और एक वायर यहाँ 0 to 20 वोल्ट के लिए, ये 20 वोल्ट का सप्लाई हमने निकाल लिया, दोनों वायर है डालेंगे 0 to 20 वोल्ट के लिए। इस कार्ड में कभी भी ट्रांसफार्मर अलग से नहीं लगता है ऑपरेटिंग के लिए, ये जब भी लगेगा तो इस मेन ट्रांसफार्मर के साथ ही जो वोल्टेज निकला है इस कार्ड के लिए वही यूज होगा। क्योंकि बार बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर अलग से लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, तो इस कंट्रोल किट के साथ कुछ भी लगाने का अलग से ज़रूरत नहीं है, सारा मेन ट्रांसफार्मर के साथ ही डिजाइन है, और सारा बस इतना ही प्रो है। इसके अंदर आप MCB डाल सकते हैं
और आउटपुट के लिए भी डाल सकते हैं, वो सारा जब आप कैबिनेट के अंदर डालेंगे तो वो लगेगा वोल्ट मीटर। यहाँ हमने दो वोल्ट मीटर यूज़ अभी मैं कर रहा हूँ, ज़रूरत है भी नहीं, एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ एक आउटपुट दिखे और एक इनपुट दिखे इसके लिए मैंने ये डाला है। तो ये मैं ले रहा हूँ इनपुट के लिए, इनपुट के लिए मैं ये यूज कर रहा हूँ। आप लग के साथ यूज करेंगे, क्योंकि मैं इसे सिर्फ प्रैक्टिकल के रूप में दिखा रहा हूँ। ये इनपुट होगा जहाँ आप 62-280 वोल्ट तक सप्लाई देंगे इस पर। इस वोल्ट मीटर को मैंने आउटपुट पर रखा है, इस वोल्ट मीटर को इनपुट पर रखा है। इसमें हमने सप्लाई यहाँ से फर्स्ट रिले के इनपुट से लिया है, ये जो वायर गया है, और ये रेड कलर जो है मैं इस टाइमर रिले के आउटपुट रिले से ले रहा हूँ, जो इस वोल्ट मीटर को जाएगा। ये हमारा ट्रांसफार्मर का कॉमन है, यहाँ हमने न्यूट्रल दे दिया सप्लाई, और ये वोल्ट मीटर के लिए न्यूट्रल यहाँ से ले लिया। बस इतना ही हमें यहाँ से यूज़ करना है, फिर ये आउटपुट जो सॉकेट लगता है उसके साथ ज्वाइंट हो जाएगा। और हमने सप्लाई दे दिया है, मैं इस कार्ड में सप्लाई देने जा रहा हूँ, और सप्लाई मैं दे रहा हूँ 60 वोल्ट। तो अब देखिए ये टाइमर का इंडिकेशन आ रहा है, मैंने इसका थोड़ा टाइम कम कर दिया था इस प्रीसेट से, देखिए इसका टाइमिंग कम कर दिया था। मैं अगर इसे फिर बढ़ाना चाहूँ तो थोड़ा सा इसे और घुमा लेंगे तो ये टाइमर का टाइम बढ़ जाएगा। फिर देखिए मैं दोबारा इसे ऑन कर रहा हूँ, और अभी यहाँ मेरा 60-62 वोल्ट इनपुट आ रहा है, और ये टाइमर जो है ब्लिंकरिंग कर रहा है। तो चूंकि अभी मुझे एडजस्ट करना है, इसलिए मैं वीडियो में दिखाने के लिए मैंने थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दिया है। अब देखिए ये ऑन हो गया, और इसे मैं कम करना चाहूँ तो फिर यहाँ से मैं थोड़ा घटा दूँगा तो फिर ये कम हो जाएगा। फिर देखिए ऑन कर रहा हूँ दोबारा, बस दो बार फ्लिंकरिंग के बाद ये ऑन हो गया। अभी देखिए हमारा 60-62 वोल्ट के लगभग है, और यहाँ 160 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। ये आउटपुट का वोल्टेज है, ये इनपुट का है हमारा, तो इसे अब हमें एडजस्ट करना होगा। अभी वेरिएक से कुछ नहीं करना होगा, अभी देखिए ये AVR से आप एडजस्ट करेंगे, ये वोल्टेज जो है इसको हमें बढ़ा के 200 पर लाना है। देखिए ये 210 पर आ गया है, सही है। अब हम वेरिएक से देखिए वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, इनपुट को अब बढ़ा रहे हैं, तो देखिए ये फिर भी कट यहाँ और नीचे तक जा रहा है, जबकि यहाँ से इसे ऊपर आना चाहिए, तो थोड़ा सा और इसे एडजस्ट करना पड़ेगा। देखिए अब एडजस्ट किया मैंने, अब देखिए मैं ले जा रहा हूँ, जैसे ये अभी और एडजस्ट होगा, यही फर्स्ट वोल्टेज पर ही आपको एडजस्ट कर लेना है, बाकी सारा एडजस्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा। थोड़ा सा और एडजस्ट करें, बहुत धीरे धीरे पोलाइटली करना है।
ये लो कट का इंडिकेशन आने लगा है। अब ये ठीक है, ठीक है। फर्स्ट यानी अब देखिए स्टार्ट हुआ, यहाँ से अभी हमारा स्टार्ट है, चूँकि अभी हमारा 50 वोल्ट है तो यहाँ 180 वोल्ट मिल रहा है। अब हमने यहाँ 62 वोल्ट दिया है, 230 के आसपास आ रहा है। अब हमारा यहाँ इनपुट वोल्टेज 65 हुआ तो फिर ये 220 पर आ गया। फिर यहाँ हमारा 92 वोल्टेज है इनपुट, तो फिर ये 210 पर हुआ। फिर यहाँ हमारा 105 वोल्ट है तो ये 210 पर है। फिर 140 पर ये 210 पर है। 150 यानी 160 पर ये फिर 210 पर है। फिर ये 195 पर ये 210 पर है। और ये 240 पर ये 210 पर है, यानी इनपुट अब बढ़ रहा है। और यहाँ देखिए ये फिर इसके बाद 200, इससे ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा तो देखिए ये सिस्टम ऑटोमेटिक हाई कट कर दिया। अब जब वोल्टेज बाहर से जब आप घटेगा तो फिर ये ऑटोमेटिक टाइमर इसका चालू हो जाएगा, यानी 290 वोल्ट से ये एक्सीड करने पर कट जा रहा है, यानी 290 इनपुट एक्सीड करने पर ये ट्रिप कर जा रहा है। देखिए यानी 300 आया, ये ट्रिप कर गया। फिर जैसे ये वोल्टेज ड्रॉप किया 285 पर आया, फिर ये टाइमर ऑन हुआ और ये ऑन हो गया। इस तरह से ये आपका सेटिंग हो जाएगा। मात्र एक रिले, एक प्रीसेट और फर्स्ट वोल्टेज पर ही आप सारा एडजस्ट कर लें। अभी हमारा इनपुट आ गया, बहुत जीरो पर आ गया है, लेकिन आप देखिए 62 वोल्ट, 65 जाते जाते फिर ये बैक कर गया, यानी अभी 90 वोल्ट है और यहाँ 220 है, यहाँ 65 वोल्ट के लगभग है और यहाँ 220 है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक और कमेंट करेंगे। और अगर इस कार्ड का आपको आवश्यकता हो तो मैं लिंक में व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप वहाँ से कॉन्टेक्ट करके इसे आप मंगा सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। धन्यवाद।